गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं वीके आचार्य, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं जी वीके आचार्य व्लॉग्स। दोस्तों, आजकल ठंड के दिनों में दिन में भी तंदूर जले होते हैं लोगों के। छोटी सी झलक मेरे गांव की। दोस्तों, यहाँ पर गृह प्रवेश हो रहा है, एक दिन का कार्यक्रम होता है, और जैसे थोड़ा सा हवन वगैरह शांति होती है, हल्की सी छोटी सी सूक्ष्म शांति होती है, और उसके बाद जो हमारा उद्देशाचार है, गौर पुजारी बुलाए जाते हैं, और वहाँ मशीन लग पड़ी है। मेरे पीछे घर का काम चला हुआ है, इसीलिए मेरी आवाज़ बहुत वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे। तो उसके बाद थोड़ी सी हल्की फुल्की देवली होती है दोस्तों, मान दिया जाता है गौरों को, और भी कुछ सिस्टम होता है, वो सब कुछ ऊपर हो रहा होगा। अभी मेरी रसोई फ़िलहाल ऑलमोस्ट रेडी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी रसोई में आज क्या क्या है बना हुआ। जैसे कि आप जानते होंगे, मेन आइटम होती है हमारी कढ़ी, बूंदी की कढ़ी। उसके बाद यहाँ है जी हमारे पास राजमा ग्रेवी वाले। उसके बाद है जी पनीर शाही वाला। इसमें चावल है। हाँ जी, पीछे 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 बैठना, आगे कहाँ, आगे तो गड़बड़ हो जाता है। हेलो, हाय मन के सच्चे। तो दोस्तों, ये रही मेरी पूरी रसोई, इसमें चावल हैं, चावल अभी दम लग रहा है हल्का फुल्का। बाकी बस ये वाला जो फ्लोर है अभी तैयार नहीं है, इसीलिए जो ऊपर वाला फ्लोर है वो तैयार किया गया है। अष्टा लग गया है मेरे बाप रे, बड़ा ख़तरनाक अष्टा लग गया है दोस्तों। अष्टा यानी कि जो हवन होता है वो हो चुका है, शांति पूरी हो चुकी है, इसका मतलब ये होता है, फिर अष्टा लगाया जाता है। बस है, यहाँ मेरे पास काम करने वाले दोस्तों आज गांव वाले नहीं हैं, आज दो नेपाली भाई हैं, और आग से करें। दोस्तों, ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन टूरिस्ट तब भी नहीं मानते। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आजकल मनाली का रुख किए हुए हैं, और इसीलिए देखिए हॉट एयर बलून वगैरह उठ रहे हैं काफ़ी पॉइंट की जगह पर, अच्छी जगह पर। यहाँ पर जाम भी लगा रहता है और हॉट एयर बलून भी उठता रहता है।